Zombie apocalypse. दोस्तों नमस्कार। कल जो हमने वीडियो डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स को लेकर के, उस पर अभी तक कोई खास व्यूज तो नहीं आए हैं, 100 से कम है। लास्ट वीक भी लगभग 100 के आसपास ही व्यूज थे। तो जो भी अगर स्टॉक्स डाले जा रहे हैं या निफ्टी भी डाला जा रहा है, तो उसको मैक्सिमम लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, तभी जो है काम करने में मजा आएगा और शेयर करने में, एनालिसिस करने में, आपको सीधा दिखाने में हमें अच्छा लगेगा। तो आप लोग उसको जरूर शेयर भी करें और लाइक तो करना ही है, और चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। आप रीट्वीट कर सकते हैं या जहां भी आप व्हाट्सएप पर हैं तो वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि वो जो हमारा एनालिसिस है उसका लाभ उठा सकें। और आप लोग सभी मेरे ग्रुप्स तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, फिर भी अभी कम है। कॉस्मोफीड पर या रेगी, उस पर अभी काफी कम है। टेलीग्राम पे भी कम है और उसको काफी किया जा सकता है, क्योंकि काफी मैंने कई ग्रुप्स देखे हैं जिनमें 1,000, 2,000, 5,000 सब्सक्राइबर होते हैं। तो अगर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो नेचुरली एनालिसिस का आप लोगों को फायदा भी मिलेगा, और वैसे एनालिसिस में अगर कोई आपको लगता है कि हम लोग उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं या गलत जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई भी एनालिसिस गलत जा रहा है। जो बताया जाता है वो एज इट इज आप लोग नेक्स्ट फ्यू डेज में मार्केट में देख लेते हैं। तो अभी जो मैं देखने वाला हूँ, सबसे पहले कुछ शेयर हैं ऑटो शेयर्स। तो हम सबसे पहले जो ऑटो शेयर्स में टाटा मोटर हम देख रहे हैं, उसके बाद बजाज और मारुति और टीवीएस और फोर्स मोटर। हम जो ऑटो शेयर्स देखेंगे, ये टाटा है तो ये बढ़ने के बाद इसमें जो कैंडल बना है वो इन्वर्टेड हैमर, और तो ये नेगेटिव है, और ये बिल्कुल जहां पहले इसमें रेसिस्टेंस था, जहां से रिवर्स हुआ है वहीं पर है। तो 505-535 का एक पहले मेजर टारगेट दिया हुआ है हमने, अभी तक भी ये उसी एक रेंज में फंसा हुआ है। कभी भी ये नीचे आता है तो आप लोग ले सकते हैं, और जब तक ये इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है तब तक इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है मूव ऐसा लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा नीचे जाना चाहिए। तो अगर ये नीचे में आपको कहाँ लेना है, 480 के आसपास स्टॉप लॉस हमेशा 465 का रखिए, 480-470 की रेंज में खरीदिए। ऊपर में अगर ये निकल जाता है आपका 506-507 के ऊपर, तो आप बाय कर सकते हैं 530 के लिए। और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है मारुति। मारुति का चार्ट मैंने अभी कुछ देर पहले देखा, और ये पाया कि यहाँ इसमें ये डबल टॉप बनाया है आवर्ली चार्ट पर, और अगर नीचे मिलता है तो हमें यहाँ पर ये जो 8350 के आसपास या 70 के आसपास का रेंज है, इसमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा 8250 के नीचे, 8230 अगर क्लोज होता है उसके नीचे तो एग्जिट होना है, अन्यथा इसका जो टारगेट बन रहा है वो जो ये देखें कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट बनता है वो लगभग 9500 के ऊपर है, तो उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है ये, ठीक है। ये है मारुति। तीसरा स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है फोर्स मोटर। फोर्स मोटर का जो मैंने अभी कुछ देर पहले चार्ट देखा, तो उसमें ये क्लियर हुआ कि इतना अच्छा स्टॉक ये नहीं है। तो यहाँ डबल टॉप बना हुआ है, उसके बाद स्टॉक काफी नीचे आने के बाद जो बाउंस किया, सस्टेन नहीं किया, और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला इसको 1365 के आसपास, 1360-65 रेंज में, उसके बाद ये फिर नीचे आ गया। अब मेजर सपोर्ट इसका जो है वो है आपका 1150 से लेकर के 1165 का रेंज। अगर इसको ब्रीच कर देता है, 1150 के नीचे कोई भी क्लोजिंग होता है, तो क्योंकि मेजर जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ ब्रीच हो चुकी है ऑलरेडी लगभग 1250 पे, तो हम लोग टारगेट देखेंगे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का, तो इस तरह से जिससे इसका ये जो है ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तो आप 1150 के नीचे एक्सपेक्ट करें कि ये काफी नीचे, मतलब पहले इनिशियली 1000 के आसपास सपोर्ट लेगा, उसके बाद 800 तक, जब तक के कोई मेजर इसमें रिवर्सल नहीं आ जाए तब तक इसमें एंट्री करना समझदारी नहीं है। अगर ये किसी भी हाल में अगर ये इसके नीचे यानी 1400 के ऊपर जाता है, 1380-1400 के, तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। उसके बाद है टीवीएस मोटर। काफी अच्छा चला था, और अभी कल का इसमें कैंडल है वो है एनगल्फिंग पैटर्न, और वो भी बियरिश, तो अभी और नीचे गुंजाइश है इसमें नीचे जाने की। बट यहाँ पर एक अगर हम गौर करें तो एक सपोर्ट इस लेवल, तो ये अगर ये लेवल ब्रीच हो जाते हैं, जो कल का लो है अगर वो टूटता है, तो फिर वापस स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, और नेक्स्ट उसमें जो सपोर्टिंग आपके
लेवल्स आएंगे वो होंगे 550 के आसपास और उसके बाद 530। तो 550 530 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ट्रेंड लाइन देखें हम लॉन्ग की तो जो लेवल नजर आ रहे हैं वो अभी यहाँ, तो जैसे ही अगर ये ब्रीच होता है 575 का स्टॉप लॉस रख करके आप इसको होल्ड कर, उसके नीचे आप इसको एग्जिट कर लें, उस स्थिति में यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग बनेगा और जिसका ऑलरेडी जो है ये ब्रेकडाउन दे चुका है। और उस केस में अगर ये टारगेट्स आते हैं तो ये इसके टारगेट रहेंगे 400 के लेवल के, और जो लगभग जो पूरा एंटायर रैली था उसका काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हो जाएगा। फिलहाल 38.2% रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो 50% आएगा 526 उसके बाद 460 की ओर। अभी इसमें कोई बाइंग नहीं है, बाइंग बनेगा जब ये सस्टेन करने लगेगा, यानी 660-70 के आसपास जब सस्टेन करने लगेगा बाजार। बाजारों में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है और अब ये थोड़ा बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए मौके देख सकते। फिलहाल ये जिस तरह का चार्ट बना हुआ है उससे ऐसा लगता है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और पहला रेजिस्टेंस जो है वो 3800 के आसपास है, और जो ऊपर सस्टेन कर लेता है 3400-3500 के आसपास, तो फिर हम लोग फर्स्ट लेवल देखेंगे 3777 का। और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो उसका टारगेट जो निकल के आता है वो आएगा लगभग 4055 पर, जो कि यहाँ पहले हाई रह चुका है और एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हम लोग इन लेवल्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं, 4055 का लेवल जो यहाँ भी इसने, ये इसका टारगेट रहेगा। देखिए इसमें यहाँ बाइंग भी आ रहा है, ये जो है यहाँ बाइंग है, और अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो हम लोग इसको 3300 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे तो वो है 3200 के नीचे, 3220 के नीचे ये इसका स्टॉप लॉस होगा। हमने जो ऑटो स्टॉक डिस्कस किए पांच, उसमें आई थिंक बेस्ट चार्ट जो था वो बजाज ऑटो का है, और फोर्स मोटर में कुछ पॉजिटिव नहीं था, टाटा मोटर जो है रेंज बाउंड है, टीवीएस भी अभी पॉजिटिव नहीं है, और मारुति मारुति ठीक है लेकिन उसमें अभी उसको डिप्स पे बाय कीजिए, ठीक है। ये 5 ऑटो स्टॉक्स हैं। अगर ऑटो सेक्टर को भी अगर आप देखना चाहें तो जो ऑटो इंडेक्स है निफ्टी ऑटो के अंदर अभी ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये नेगेटिव है और नीचे आना चाहिए यहाँ से एक बार। हालांकि इन्वर्टेड हैमर है लेकिन उतना कोई रेसिस्टेंस या कुछ दिख नहीं रहा है कि नीचे, और सपोर्ट जो है 11212 के आसपास है, और इसके ऊपर निकलेगा तो ही मेजर ये 12150 से लेके और 11700 यही इसका रेसिस्टेंस जोन है, जो पहले भी इसने क्रॉस करने में मल्टीपल टाइम प्रयास किया है बट वो फेलियर रहा है। तो ये है ऑटो स्टॉक्स। ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना, प्लस वीडियो को लाइक शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें, और ग्रुप्स में जो भी अगर आपके साथी हैं उन्हें ऐड करें जिससे कि इसका लाभ जो हमारा एनालिसिस है उसका लाभ मिल पाए। थैंक यू।